चौधरी रियाजुल हक साहब, चौधरी रियाजुल हक। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। साहिबवाल डिवीजन से मेरा तल्लक है और नस्ल दर नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चरिस्ट हूं। उस डिवीजन से तल्लक है जनाब स्पीकर जो इस आलू की पैदावार का, इस मुल्क की कुल पैदावार का 32% पैदा करता है। उस डिवीजन से तल्लक है जो मकई का 29% पैदा करता है। और उस शहर से तल्लक रखता हूं जनाब स्पीकर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बॉयल्ड राइस का और स्टीम राइस का मरकज है। मैंने एग्रीकल्चर पे ये कट मोशन मूव की है, मैं हरगिज मूव ना करता जनाब स्पीकर अगर इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान की 65% आबादी को बजट में भरपूर अपना उसका हिस्सा दिया होता। मैं हरगिज कट मोशन मूव ना करता जनाब स्पीकर। ये इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों से जिस मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, अगर ना किया होता तो मैं हरगिज ये कट मोशन मूव ना करता। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो फिगर्स इस हुकूमत ने पब्लिश किए हैं 2021 के, उसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दिखाया गया है 2018 में जब चोरों, डाकुओं, लुटेरों और ठगों की हुकूमत थी 4% था, 2019 में 0.56%, 2020 में 3.3% और 2021 में 2.77%। जनाब स्पीकर मैं जाती तौर पे इन फिगर से जो 2.77 दिया गया है, मैं इसे इत्तफाक इसलिए नहीं करता, मैं इसे हकीकत पर मबनी इसलिए नहीं समझता कि इनके आप अगर फिगर चेक कर लें जो इसमें मुख्तलिफ क्रॉप की सूरत में दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे ये जनाब स्पीकर शुगर केन, इसमें 2020-21 की जो हेक्टर दिए गए हैं जनाब स्पीकर 1165,000 हेक्टर्स, और इसकी केजीज में पर हेक्टर जो है 69.53% दिखाई गई है जनाब, केजीज दिखाई गए हैं जो 8.9% एक्सेस है, मतलब बम्पर क्रॉप जिसे कहा गया है इस फिगर्स के मुताबिक। जनाब स्पीकर इसके मुकाबले में 2018 और 2019 में 1102,000 हेक्टर से और 60,956 केजीज पर हेक्टर इसकी प्रोडक्शन थी जो -1.8% थी पिछले साल से, -1.8%। जनाब स्पीकर मुझे कोई ये बात समझा दे कि बम्पर क्रॉप हो और जब आप नेगेटिविटी में जा रहे हो -1.8 से और आपके मुल्क में चीनी की कीमत 52 रुपए हो, और जब आप बम्पर क्रॉप हो तो आपकी कीमत 110 रुपए हो जाए, ये समझ से बालातर है। इसी तरह दूसरा एक शोबा है जनाब स्पीकर मकई का, मेज का, क्योंकि ये मेरे इलाके की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हम 29% टोटल मुल्क की पैदावार का पैदा करते हैं। इसमें 2017-18 में 1251,000 हेक्टर पे काश्त होती है और 4,718 केजी पर हेक्टर के हिसाब से की प्रोडक्शन है। 2020-21 में 1418,000 हेक्टर की, 1418,000 हेक्टर और 5,970 केजीज पर हेक्टर, और ये ग्रोथ है 6.3%। जनाब स्पीकर मुझे भी मक्की काश्त करते हुए 20 साल हो गए, तारीख में सबसे ज्यादा रेट इस साल गया 1800 रुपए तक ऑन एन एवरेज रेट 2017-18 में 1100 और 1200 रुपए था, इस साल 1400-1500 रुपए है। बम्पर क्रॉप है जनाब स्पीकर 6.8%। इसी की वजह से फीड की प्राइसेस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, सिर्फ मकई की वजह से, मक्की की वजह से, और मुर्गी की कीमत 500 रुपए केजी तक पहुंची इस साल। अच्छी बम्पर क्रॉप है जनाब स्पीकर, ये कोई समझ आने वाली बात है? इसलिए मैं समझता हूं कि यह हकीकत पर मबनी फिगर्स नहीं है। दूसरी चीज जनाब स्पीकर, हमारे दौर में मियां नवाशी साहब के दौर में 340 अरब रुपए का, जिस तरह राव अजमल साहब ने जिक्र किया, पैकेज दिया गया एग्रीकल्चर के लिए, 2400 रुपए की डीएपी आज 5900 रुपए पे है, 1200 रुपए वाली यूरिया आज 1850 रुपए पे है, बिजली 5.35 रुपए वाली आज 13.15 रुपए पे है जनाब स्पीकर, और पेस्टिसाइड सबसे बड़ा जुलम जनाब स्पीकर इस मुल्क में पिछले 3 साल से हुआ है, वो पेस्टिसाइड के शोबे में हुआ है।
30% से लेके 100% तक कीमतें बढ़ गई कीमतें, कोई बात नहीं। जनाब स्पीकर, आपकी मयारी अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं, कोई एक स्प्रे भी कारामद नहीं है इस वक्त मार्केट में। कोई एक दावा कर दे किसी एक कंपनी का अगर काम कर रहा हो मार्केट में। यह सबसे बड़ी ज्यादती है जनाब स्पीकर, जब एक फार्मर अपनी जेब से काट के, अपने बच्चों का पेट काट के पेस्टिसाइड खरीद के लाता है और स्प्रे करता है, एक फसल का नुकसान तो है ही है, स्प्रे काम नहीं करता। इस पर भी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकी जनाब स्पीकर। गैर मियारी बीज, जनाब स्पीकर कॉटन पे तो मेरे बड़े भाई शेख फयाज साहब बोलेंगे और बीज के मतलब आपको हकीकत बताएंगे। गंदम का बीज जो 2016-2017 में जो हमारी रिसर्च की वजह से आया था, अब पिछले 3 साल से कोई नया बीज नहीं आ रहा, इस पर कोई नया काम नहीं हो रहा जनाब स्पीकर। हम शदीद तरीन फ्रूट सिक्योरिटी का शिकार है, क्लेम कर रहे हैं कि गंदम हमारी बंपर क्रॉप है, और जिस तरह अभी नवीर कमर साहब ने कहा कि अगस्त में हम फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से दोबारा गंदम खरीदने के लिए। इसे आप 2.77% की ग्रोथ देख लें, 2.45% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है जनाब स्पीकर। हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कम से कम 7% हो तो फिर हम मीट कर सकते हैं। 2.45 को 2.77 अगर ठीक भी मान लिया जाए जनाब स्पीकर, तो ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। हम शदीद तरीन फूड सिक्योरिटी का शिकार हो रहे हैं जनाब स्पीकर। एग्रीकल्चर की अभी बात की, इनकी जरिए आलात की, जनाब स्पीकर 12,80,000 रुपए में ट्रैक्टर अवेलेबल था। मैसी फर्गुसन पाकिस्तान की अपनी लोकल प्रोडक्शन है और 95% 96% हमारी लोकल प्रोडक्शन है, यहाँ पे वेंडर्स यहीं पे काम करते हैं। 12,80,000 रुपए मालियत वाला अब 15,75,000 रुपए का ट्रैक्टर चला गया, 30% इसमें इंक्रीज है इन 3 सालों में। इसी तरह टिलर्स 2018 में 60,000 रुपए में अच्छी किस्म के अवेलेबल थे, आज 80,000 रुपए में है जनाब स्पीकर। ये 30 से 35% ये भी इजाफा है। रूटावेटर जो 75,000 रुपए मालियत का था, 1,25,000 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त, इसमें 40 से 45% इसमें भी इजाफा है। और लेजर सबसे अहम तरीन चीज जनाब स्पीकर किसी भी किसान के लिए, चूंकि हम पानी की कमी का शिकार हैं, लेजर लेवलर सबसे अहम तरीन चीज है। ये पिछले 15 साल से अगर पानी की कुछ थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिल रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह लेजर लेवलिंग जो है उस वजह से है। उसमें की कीमतें भी 1 से 1.5 लाख रुपए फिर लेजर लेवल बढ़ा दी गई हैं। ये आप किसानों को खत्म कर रहे हैं जनाब स्पीकर, और इस पर कोई सब्सिडी भी नहीं, और इस पर कोई नई रिसर्च भी कोई नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी भी कोई नहीं जनाब स्पीकर। एक सबसे आखिर में मैं एक पानी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अच्छा, इनपुट 20 से 25% हमारी बढ़ी है जनाब स्पीकर पिछले 3 साल से, 20 से 25%। और हमारी हुकूमत दावे कर रही है कि हमने किसानों को नवाज दिया है। ये अभी कुछ चंद रोज पहले हमारे एक दो कलीग यहां पे बात कर रहे थे कि 1,000 अरब रुपए किसानों की जेब में ज्यादा गए हैं। मैं यहां पे दावा करता हूं जनाब स्पीकर, मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, इन टर्म्स ऑफ डॉलर $30 से $45 फी एकड़ इस जमींदार को नुकसान हुआ है इन 3 सालों में। आज से 3 साल पहले इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमारा जिम्मेदार $45 ज्यादा कमा रहा था फी एकड़, आज कम कमा रहा है जनाब स्पीकर। मैं पानी पे थोड़ी सी बात चलता लाजमी करना चाहूंगा जनाब स्पीकर। 103 मिलियन एकड़ फीट पे 3-टीयर फार्मूले के तहत हम पानी तकसीम करते हैं, 17% की शॉर्टफॉल है, 17% की हमारे पास शॉर्टफॉल है जनाब स्पीकर। इसलिए इस साल हमारे पास 82-83 मिलियन एकड़ फीट पानी होगा, जिसमें आपने 55.76% पानी आपने पंजाब को देना है, 48 पॉइंट समथिंग मिलियन एकड़ फिट आपने सिंध को देना है। इसी तरह कुछ 8 से 12 मिलियन एकड़ फिट आपने बलूचिस्तान को देना है। और जनाब स्पीकर, हम शदीद तरीन कमी की पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। सूबों के पहले शहरों में लड़ाई, जिमींदारों में लड़ाई, अब इसके बाद सूबों में लड़ाई, ये खाना जंग की तरफ जा रहा है जनाब स्पीकर पानी के मसले पर। थैंक यू। हमें जनाब स्पीकर जी वाइंड अप करें प्लीज। एक जी वाइंड अप शेर सुनाते हुए आपसे चलूंगा। चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। कोई जो नहीं जो होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही उसकी सजा है। बहुत शुक्रिया जी जनाब कमालुद्दीन साहब।